हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? मैंने मेरी को जैसे कि आप लोग इंटरफेस में देखे जो मार्केट स्टॉक बताऊँ तो आप लोग रेडमी 5A को जो चल रहा होगा 7.1 होगा, जो कि नगर में रन कर रहा है बट काफ़ी पुराना हो चुका है। मेरा रेडमी 5A में मैं भी बोर हो गया, चला चला के रेडमी 5A में सो 7.1 का नॉट अपडेट, बट काफ़ी पुराना हो चुका था तो मुझे लगा यार कुछ लगा ओरियो अपडेट कर सकते जो काफ़ी लेटेस्ट में चल रहा है। तो आप लोग भी अपने फ़ोन में ओरियो अपडेट कर सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। तो मैं लास्ट तक वीडियो देखिए और मैं बताऊंगा आप लोग किस स्टेप से आप लोग अपने रेडमी 5A को ओरियो में अपडेट कर सकते हो भी बिल्कुल फ्री में, एकदम 100% ट्रिक के साथ बताऊंगा मैं आप लोग किस स्टेप से अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू से पहले बताए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल न्यू होते प्ले चैनल का सब्सक्राइब करो और जो भी डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाकर स्क्रीन कर दूंगा और बेल का आइकन दबाना जिससे अपने नोटिफिकेशन सब। तो यार आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मैं इतनी मेहनत से वीडियो डाल रहा हूँ, प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी किया करो। तो अभी सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोगों को ये मेरी वीडियो देख रही होगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे आप क्लिक करिएगा। लिंक पे क्लिक करने के बाद ऐप मिलेगा, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद जैसे कि मैंने भी इंस्टॉल कर लिया इस ऐप को, तो मैं उसे ओपन करके दिखाऊंगा आप लोगों को किस टाइप से है ऐप को। तो आप लोग भी इसे ओपन कर लीजिएगा, ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद कुछ इस टाइप का आ जाएगा इंटरफेस, आप लोग सोचेंगे थीम लॉन्चर होगा बट ऐसा कुछ नहीं, मैं बताऊंगा आप लोगों को, बहुत पसंद आएगा आपको वीडियो है। तो हेलो ओरियो, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है स्टार्ट का बटन, स्टार्ट पे अपन क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे हम क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे हमारा जो फोन है रेडमी 5A पूरा 8.0 पे रन करने लगा, एकदम 100% पूछ रहा था। अब दिखा देता हूँ आप लोगों को किस स्टेप से रन कर रहा है ये। आप लोग सोचेंगे यार थीम है या वॉलपेपर दिख रहा है, सब चीज़ हो गया, बट सेटिंग में दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को किस स्टेप से ये फोन मेरा, जैसे देख सकते हैं आप लोग सेटिंग पहले रेडमी 5A की अलग थी, नॉकआउट में रन कर रही थी बट अभी चेंज हो चुकी है। जैसे मैं सिस्टम में दिखा देता हूँ आप लोगों को, तो थोड़ा फ़ोन आ गया था, तो जैसे कि सिस्टम में दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को रेडमी 5A कि जो अबाउट फोन में दिखा देता हूँ मैं 8.0 का जो कि ओरियो में रन कर रहा है। तो 100% प्रूफ था दिखा दिया मैंने आप लोगों को किस स्टेप से आप लोग ओरियो में अपडेट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था बट आप लोग भी कर लेंगे ये, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया मैंने, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसे ओपन कर लीजिएगा, उसे सेव कर लीजिएगा। जैसे देख सकते पूरी जो सेटिंग है चेंज हो चुकी मेरी और पूरा जो फ़ोन मेरा ओरियो पर अपडेट रन कर रहा है। और भी काफ़ी सारी सेटिंग है बट मैंने जो मेन सेटिंग थी बता दी आप लोगों को, तो उसमें भी कई सारे फीचर्स चेंज हो जाते हैं आप लोगों को। जो नॉकआउट का चल रहा था वो ओरियो में रन कर रहा है तो उसमें भी सेटिंग चेंज हो जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं बता दिया आप लोग इस स्टेप से आप ओरियो में अपडेट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए यार प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जो भी डाउट होगा कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर डाउनलोड क्लिक कर दूंगा और बेल का नोटिफिकेशन से प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने, जय माता दी।